Hello everyone and welcome to my channel. Guys, आज मैं Once We Get Married के episode number 11 की story explain करने लगी हूँ. अगर आप लोगों ने अभी तक इस drama के पिछले episodes नहीं देखी हैं, तो I suggest कि आप जाके वो episodes देखें. उनका link आपको comment section में मिल जाएगा. और guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe the channel. Thank you. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब शीशी जीन पर गिरती है तो फिर वो फौरन से ही उसे सॉरी करती हुई उठ जाती है और फिर उसे बताती है कि अब सिर्फ तुम्हारी वेस्ट का नाप लेना बाकी रह गया है. फिर वो उसकी वेस्ट का नाप लेने लगती है तो उसे यूं नाप लेता देख कर जीन स्माइल करने लगता है. जब शीशी उसकी तरफ देखती है तो वो फौरन से अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं. फिर शीशी उसे बताती है कि उसका वर्क डन हो गया है. फिर वो वहां से चली जाती है. जीन उसे यूं ज्यादा देखकर स्माइल करने लगता है. फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीन और शीशी सेरेमनी में पहुंच आए होते हैं. फिर उन दोनों के पास रैन आती है और उसे मिस्टर वैंग से मिलने को कहती है और शीशी से एक्सक्यूज करके वो जीन को अपने साथ ले जाने की बात करती है. तो शीशी उसे कहती है कि ठीक है, ले जाओ अपने साथ, लेकिन इसे मेरे पास लौटाना भी याद रखना. फिर जीन उसे वहां छोड़कर रैन के साथ जाने लगता है. इसी सेरेमनी में शेंग और रोना भी होते हैं और यहाँ पर रोना और शीशी की मुलाकात होती है. यहाँ पर तो वो दोनों काफी ही बोर हो रही होती हैं. इसी दौरान ही एक वेट्रेस का उसे धक्का लगता है तो रोना के ऊपर बेयर गिर जाती है. फिर शीशी उसे साइड पे ले जाकर उसी के स्कार्फ का यूज करके उसके इस दाग को कवर कर देती है. और यहाँ पर रोना उसके ये डिजाइनिंग एबिलिटी को देख कर उसकी काफी तारीफ करती है. फिर वो दोनों बाहर आ जाती है. इतने में ऊपर से जीन आ जाता है और रोना तो जीन के सामने भी शीशी की काफी तारीफ करती है. फिर रैन सबको अपनी सेरेमनी में आने के लिए थैंक्स कहती है और अपने नए स्टूडियो की ओपनिंग पर सबसे ज्यादा क्रेडिट वो जिन को देती है. फिर जिन स्टेज पर आकर रैन के स्टूडियो के साथ साथ वो शीशी के स्टोर का भी जिक्र कर देता है और वहां मौजूद लोगों को अपनी वाइफ शीशी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए उन सबको अपनी वाइफ की डिजाइनिंग एबिलिटी का भी बताता है. शीशी तो उस वक्त काफी प्राउड फील कर रही होती है. फिर रैन तो जेलसी के अरे शीशी को पॉइंट आउट करती है और उसे स्टेज पर आने को कहती है. शीशी तो स्टेज पर जाकर रैन की बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है और उस मामले को हल कर ही लेती है. और इस बात से तो जिन भी शीशी को अप्रिशिएट करते हैं. फिर बाद में शीशी जिन के पास आकर उससे पैकिंग वगैरह का पूछती है क्योंकि कल उनकी फ्लाइट जो थी. तो जिन उसे बताता है कि सब कुछ रेडी हो गया है. फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग इटली पहुंच गए होते हैं और अब मिस्टर एलेक्स की प्लेस पर जा रहे होते हैं. शीशी तो इटली आकर काफी खुश होती है. यहाँ पर शीशी जिन को एक फैशन शो का बताती है जो आज यहाँ होने वाला होता है और उससे वहां जाने की इजाजत मांगती है. तो जिन तो उसे वहां जाने से मना कर देता है. इस बात से तो शीशी सैड हो जाती है और फिर यहां पर शीशी जिन को डार्लिंग भी कहती है. तो उस वक्त तो फे की शक्ल देखने वाली होती है. फिर बाद में हम देखते हैं कि वो लोग होटल पहुंच आए होते हैं और यहाँ पर जिन शीशी से कहते हैं कि तुमने जहाँ भी जाना हो तो जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करना और साथ में उसे बताते हैं कि तुम चंद ओवर स्प्रे भी होगी. ये सुनकर तो शीशी खुश हो जाती है और बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगती है. फिर शीशी ने उस फैशन शो में जाना होता है तो वो जिन के रूम के बाहर रिपोर्ट पेपर रख के वहां से चली जाती है. फिर बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसके तो मोबाइल बैटरी ही लो हो गई है. उधर जिन शीशी को ढूंढ रहा होता है और उसे कॉल करते हैं तो आगे से उसका नंबर भी बन जा रहा होता है. तो वो उसके लिए काफी फिक्रमंद हो जाता है. फिर वो उसका रखा हुआ रिपोर्ट पेपर देखते हैं. असल में शीशी और उसके मिस्टर एलेक्स के पास जाने का टाइम चेंज हो गया था. अब उन्हें उसके पास जल्दी जाना था और अब शीशी मैडम गायब थी. इसलिए जिन काफी परेशान होता है कि वो अब क्या करे. उधर शीशी अननोन प्लेस पर आकर काफी डर जाती है और इधर ही जिन भी उसे ढूंढने पहुंचा होता है. शीशी तो डर के मारे भागना स्टार्ट कर देती है और किसी ट्री से टकराने ही लगती है कि इतने में जिन अपना हाथ आगे रख लेता है. यहाँ पर शीशी जिन को देखकर काफी रिलीफ फील करती है लेकिन यहाँ पर उसे जिन से अच्छी खासी डांट भी पड़ जाती है. फिर बाद में मिस्टर एलेक्स के पास जाते हुए रास्ते में शीशी जिन से बार बार सॉरी बोलती है तो जिन उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था. तो शीशी तो ये सुनकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए फिक्रमंद हो गए थे. तो जिन आगे
से बात को चेंज कर देता है। फिर यहाँ पर शीशी उसका वाउंड देखती है तो उसके लिए परेशान हो जाती है और उसे बैंडेज लगाती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो रखते थे लेकिन कह भी नहीं पा रहे थे। फिर वो दोनों मिस्टर एलेक्स के पास आ गए होते हैं और लेट आने पर उससे अपोलोजाइज भी करते हैं। यहाँ पर मिस्टर एलेक्स की असिस्टेंट उसे एक ड्रेस डिज़ाइन दिखाती है जिस पर वो लोग अब वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर शीशी भी वो डिज़ाइन देख लेती है और मिस्टर एलेक्स ने उन दोनों को यहाँ पर हनीमून के लिए इन्वाइट किया था ताकि वो दोनों यहाँ पर खूब इंजॉय कर सकें। फिर बाद में फिर से इनको कहता है कि आप शीशी से मिलने से पहले ऐसे तो नहीं थे जैसे अब हो गए हैं, क्योंकि वो अब काफ़ी काइंड हार्टेड हो गया था लेकिन जिन तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ श्याओ और शीशी की बात हो रही होती है। फिर बाद में शीशी को जिन का मैसेज आता है, वो उसे जितनी इग्नोर करने की ट्राई करती है वो नहीं कर पाती। फिर जिन उसे मैसेज करके अपने पास बुलाता है। शीशी को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है। फिर जिन उसे अपने वाउंड पर बैंडेज लगाने को कहता है। यहाँ पर शीशी को इतनी नींद आ रही होती है कि वो तो उसे बैंडेज लगाते लगाते वहीं पर ही सो जाती है। फिर बाद में जिन उसे देखता रहता है और यहाँ पर वो उसे अपना लव भी कन्फेस कर देता है लेकिन शीशी तो उस वक्त सो रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी की जब आंख खुलती है तो वो जिन को अपने क्लोज पाकर चीख मारती हुई उठ बैठती है और उससे आर्ग्यू करने लगती है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो। तो जिन उसे रिमाइंड करवाता है कि ये उसका नहीं बल्कि मेरा बिस्तर है। फिर वो शीशी के क्लोज आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम डर गई थी, तो वो कहती है नहीं तो, लेकिन रियल में वो डरी बैठी होती है। फिर जिन उसे तैयार होने का कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों मिस्टर एलेक्स के साथ घूमने आए होते हैं और यहाँ पर शीशी अपने फादर का दिया हुआ कॉइन वाटर में गिरा देती है और जब बाद में उसे ये रियलाइज होता है तो वो काफी सैड हो जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर एलेक्स उन दोनों के इकट्ठे में पिक्स बनाता है। फिर बाद में मिस्टर एलेक्स की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि वो जिस डिज़ाइन पर वर्क कर रहे थे वो कहीं गुम हो गया है। शीशी कहती है कि वो उन्हें ये डिज़ाइन बना कर देगी क्योंकि उसने उस डिज़ाइन को लास्ट टाइम देख लिया था। फिर वो वाकई में उसी जैसा डिज़ाइन बनाकर मिस्टर एलेक्स को दिखाती है। मिस्टर एलेक्स ये देख कर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर बाद में वो लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर बाद में शीशी हिन से कहती है कि वो मिस्टर एलेक्स से यूं अपने रिलेशन का झूठ बोलकर काफी गिल्टी फील कर रही है। तो जिन उसे प्रॉमिस करते हैं कि टाइम आने पर हम उसे सच जरूर बता देंगे। फिर वो दोनों वहां पर एक प्लेस पर आते हैं। वह वहां पर टेडी बेयर निकालने की ट्राई करने लगते हैं लेकिन वो तो उनसे निकल ही नहीं पाता। इतने में वहाँ पर एक और कपल आता है। लड़की अपने हस्बैंड को लक देने के लिए उसे किस करती है तो इस तरह वो टेडी बेयर इजिली निकाल लेते हैं। जिन और शीशी भी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर जिन भी उससे लक लेने के लिए शीशी को किस कर लेता है और फिर वो भी इजिली टेडी बेयर निकालने में कामयाब हो जाता है। ये देख कर तो शीशी खुश हो जाती है। फिर बाद में जिन शीशी को बताता है कि वो जो पहले शो होने वाला था वो अब एक्सपेंड कर दिया गया है। शीशी तो ये सुनकर खुश हो जाती है। जिन भी उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है। फिर शीशी कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने जाती है और साथ में वो उसे रिपोर्ट पेपर भी देकर ही जाती है। इतने में फे भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जिन फे को बताता है कि वो अब रियली में शीशी से लव करता है और साथ में वो उसे ये भी बताता है कि वो अब अपने रिलेशन को श्रुतली आगे बढ़ाएंगे और वो अब बस मिस्टर एलेक्स के काम खत्म करने के वेट में होता है। बाद में मिस्टर एलेक्स और उसकी मुलाकात होती है तो मिस्टर एलेक्स उसे कहते हैं कि वो अपने नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज शीशी को बनाएगा। जिन जितना मिस्टर एलेक्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा था अब उतना ही वो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में उलझता जा रहा था। दूसरी तरफ शीशी अपनी और जिन की साथ में ली गई फोटो देख रही होती है। पहले तो वो जिन की तारीफ कर बैठती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर कहती है अरे नहीं तो ये हैंडसम नहीं है। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 11 खत्म हो जाती है। थैंक्स for watching.